भाई लोग, आप लोग हमारा न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको मैं पहले भी ये जगह दिखा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं इस जगह पे पहले भी आ चुका हूँ। तो मैं आज जाने वाला हूँ हल्दिया डैम पे, और हमारा जितने भी टीम है, मतलब जो नवादा में जितने भी ब्लॉगर हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अपना ब्लॉग में बताया था कि आज के बाद हमारे साथ जितने भी ब्लॉगर नवादा के हैं, सारे चेहरे आपको साथ देखने को मिल जाएंगे। तो आज सब मिलकर हम लोग आए हैं दोस्तों हल्दिया डैम। तो फिलहाल अभी हल्दिया डैम मतलब रजौली से 6 किलोमीटर आगे हल्दिया डैम पड़ता है, तो वहाँ से आप रजौली चेक पोस्ट जो है, रजौली चेक पोस्ट जहाँ से झारखंड स्टार्ट होता है, उसका 1 किलोमीटर पीछे से रास्ता इससे कटता है एक बस्ती से। तो आपको इस बस्ती से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा हल्दिया डैम। तो फिलहाल मैं उसी रोड में हूँ। तो दोस्तों ये जो पहाड़ वगैरह आप देख पा रहे होंगे, ये हल्दिया डैम का साइड का ही व्यू है। देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने में, काफ़ी मौसम यहाँ पे काफ़ी सुहाना लग रहा है देखने में, काफ़ी मौसम सुहाना रखा है यहाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए आपको हल्दिया डैम के पास जाते हैं और अपने सारे दोस्तों से मिलवाते हैं और आपको वहाँ का हर एक चीज़ दिखाते हैं। तो दोस्तों आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो और कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं। भाई लोग हम लोग आ चुके हैं हल्दिया डैम, जो कि फुलवरिया डैम से भी जाना जाता है रजौली में। तो ये डैम रजौली के पास पड़ता है, रजौली से 6 किलोमीटर आगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, रजौली से 6 किलोमीटर आगे बढ़कर एक मोड़ आता है, उस मोड़ से 1 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो फुलवरिया जलाशय योजना लिखा रहेगा, वहाँ से आपको फुलवरिया डैम स्टार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं आपका कुछ व्यू और कैसा डैम। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि आज मैं अपने पूरा टीम के साथ आया हूँ, तो जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, देखिए उधर संजय भाई हो गए, वहाँ देखिए संजय भाई हैं, वहाँ ये देखिए संजय भाई हुए, ये चंदन हुआ, फिर ये अर्पित भाई, तोहित भाई, सब साथ आए हुए हैं, तो सब अपना अपना ब्लॉगिंग में लगे हुए। तो चलिए आपको अब बैक कैमरा से दिखाते हैं यहाँ का व्यू। साइड से आप देख पा रहे होंगे, इसी साइड से रजौली से आप इसी रोड से आप आ सकते हो फुलवरिया डैम। और देखिए साइड में कुछ बड़ा ही भयंकर पहाड़ टाइप का कुछ व्यू देखने को मिल जाता है। और फिर देखिए आप इधर से जाओगे तो आज उस टंकी के पास पहुंच जाओगे। अगर आपको फुलवरिया डैम का जो गेट है जहाँ से पानी निकलता है, तो आपको इस साइड जाना होगा। तो देखिए इधर हमारे संजय भाई हैं, तोहित भाई, ये अर्पित भाई, और उधर रह गए हमारे चंदन भाई। तो देखिए आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा होगा, फिलहाल बिहार सरकार जल संसाधन फुलवरिया डैम दिख रहा होगा, जलाशय योजना देखिए आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो देखिए ये हुआ फुलवरिया डैम का कुछ व्यू। तो ऐसे तो मैं यहाँ पे यहाँ का वीडियो पहले भी अपने चैनल पे डाल रखा हूँ, तो आप लोग देखेंगे कितना कि इस डैम का काफ़ी भयंकर व्यू है। तो चलिए यहाँ पे बोटिंग वोटिंग भी होता है, अगर टाइम मिला तो आपको बोटिंग वोटिंग भी करते दिखाएंगे। तो ये डैम शायद लगभग 1984 में बनाने का काम शुरू हुआ था। तो एक दादा जी से देखिए आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे, ये गांव जो पहले जो ये गांव था जो आपको दिख रहा होगा, ये गांव पहले इसको बीचे बीच पड़ता था। 1984 में दोस्तों गांव को खाली करवा कर कुछ पैसा वगैरह देकर, जैसे कि दिया जाता है सरकार की ओर से, देकर उस गाँव को इस साइड देखिएगा मतलब निकाल कर इस साइड कर दिया गया। और फिर देखिए यहाँ पे 1984 के बाद शायद डैम का कार्य निर्माण स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा डैम है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, आपको यहाँ पे बात देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए तीन तरफ से पहाड़ी पहाड़ है, एक देखिए इधर से भी पहाड़, इधर से भी पहाड़, तीनों तरफ से पहाड़ी पहाड़ देखने को आपको मिल जाएगा। प्लस में डैम का अंत तो फिलहाल दिख नहीं रहा, छोटे मोटे टापू बीच में दिख रहे हैं, टापू टाइप का, तो डैम का अंत कहाँ है ये तो पता नहीं चल रहा। और इस साइड में देखिए आपको डैम का जो बैरिकेटिंग है ये किया गया है, ताकि मतलब पानी से किसी नवादा जिला को या फिर कोई रजौली जो है इस एरिया को कोई क्षति ना हो, इसलिए काफ़ी मजबूती से इसको देखिए बनाया गया है। आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे पहाड़ पत्थर वगैरह लगा कर बनाया गया है। तो चलिए अब आपको कुछ सीन दिखाते हैं, आपको कुछ बोटिंग भी यहाँ पे शायद होता है, तो आपको बोटिंग में करके दिखाते हैं, और फिर आपको गेट भी दिखाएंगे आगे कि कहाँ से इसका पानी कैसे निकलता है। हम लोग इस रास्ता से सामने आए, तो आप सामने आओगे तो देखिए आपको इस टाइम इस साइड में आपको देखिए डैम का गेट देखने को मिल जाएगा। तो आपको चलिए सामने से डैम का गेट दिखाते हैं। तो देखिए डैम का गेट, देखिए यहाँ पे टोटल गेट लगता है इसका 9-10 गेट है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी ज़्यादा पानी का लेवल जो है देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है।
फिलहाल देखिए उस साइड में आपको यहाँ पे नाव वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपको सामने से नाव दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे काफी कोहरा टाइप का मौसम हो रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1984 में इस डैम को बनाने के लिए इस गांव को खाली किया गया था, डोबा गांव जो मैंने बताया था कि जो कि अभी भी फिलहाल उस साइड आपको नाव से जाया जाता है। यहाँ के कुछ लोकल लोग बताए मुझे कि कुछ बाइक वगैरह से भी घूम कर जाना पड़ता है, अगर आपको सीधा जाना है तो आप नाव के द्वारा जा सकते हो डोबा गांव। तो इस पुल का, इस डैम का निर्माण 1984 में किया गया था, आइए 1988 में रेडी हो गया था। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ निर्माण वर्ष, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है फुलवरिया जलाशय योजना, देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पे हर एक चीज दिया गया है कितना चल डैम। देखिए डैम की लंबाई 1135 मीटर है और देखिए डैम की अधिकतम ऊंचाई 25 मीटर है। देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल यहाँ पे, देखिए निर्माण जो है इसका कब ये निर्माण बनाया गया, 1988 में बनाया गया, 1984 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। तो जो आपको गांव दिख रहा है सामने, जो गांव दिख रहा है वही गांव जो इस साइड में बीच में डैम के बीचों बीच पड़ता था उसी गाँव को खाली करके इस साइड ट्रांसफर किया गया। देखिए डैम का थोड़ा पानी हल्का फल्का, देखिए एक नीचे से देखिए आपको दिख रहा होगा ये नहर में हमेशा जाता रहता है। मैं पिछले बार भी आया था तो वहाँ से पानी निकल रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे शायद बोटिंग का, जो पहले बोटिंग क्या करवाया जाता तो वो भी बंद है। मैं पिछले बार आया था तो यहाँ पे कुछ बोट वगैरह लगे हुए थे, तो मैं बोटिंग भी यहाँ पे किया था। तो फिलहाल अभी तो कोई बोट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, अगर हो सकता है घूमने के लिए गए होंगे, अगर आते हैं तो आपको बोटिंग करके भी दिखाएंगे। तो ये देखिए दिखा दिया। तो देखिए इस साइड का जो कुछ व्यू है, देखिए जिस पानी जिस साइड निकलता है, देखिए इस साइड का मुझे देखिए उस साइड में बोला जाता है कि दलदल टाइप का है, उस साइड में देखिए दलदल टाइप का है, जो पानी जमा हुआ है उस साइड में दलदल है। और देखिए इधर हमारे संजय भाई अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं। फिलहाल भाई लोग हम लोग अब हरदिया डैम के देखिए किनारा साइड में आ चुके हैं, देखिए बैठ गए साइड में आकर, देखिए इस पर बैठे हुए हैं फिलहाल। देखिए आगे हमारे तोहित भाई हैं, इस साइड में देखिए संजय भाई दिख जाएंगे, फिर अर्पित भाई, और वहाँ दिख जाएगा चंदन। तो देखिए हम लोग बिल्कुल साइड में आकर बैठ चुके हैं। देखिए सामने एक बोट आ रहा है, छोटा सा बोट, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा दूं, देखिए सामने एक बोट आ रहा है। तो देखिए अगर बोटिंग अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग बोटिंग भी करेंगे और आपको बोटिंग करके भी दिखाएंगे, और फिलहाल क्या प्राइस है बोटिंग का वो भी आपको बताएंगे। सामने लगा पड़ा है एक बड़ा ही बेकार बोट है, ये एक कभी काम नहीं आया है, क्या पता चलता है कि नहीं, नहीं पता, पर लगा हुआ रहता है। पिछला बार भी मैं आया था तो इसको यहीं पर लगा हुआ देखा था। आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखाने वाला हूँ, जैसे कुछ भी अगर आप बोलोगे तो साउंड रिटर्न आएगा, जैसे देखिए हल्दिया डैम जैसे आपको देखिए रिटर्न आवाज सुनाई देता होगा। तो ऐसा इफेक्ट आपको बोलता पहाड़ कौवा कोल में है वहाँ देखने को मिलता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे भी शायद पहाड़, तीनों तरफ पहाड़ होने के कारण से यहाँ पे आवाज साउंड जो है रिटर्न आ रहा है। तो दोस्तों काफी मस्त प्लेस है, आप एक बार यहाँ पे जरूर आओ। अगर कपल हो तो कपल को भी साथ जरूर लाओ, आप अपने कपल के साथ भी आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो। यहाँ पे खाने पीने का भी हर एक सुविधा उपलब्ध है, प्लस में साइड में देखिए बैठने के लिए काफी खूबसूरत नज़ारा आपको, देखिए जहाँ तक देखिएगा खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में पार्क टाइप का कुछ बना दिया गया। चलिए अब आपको उस साइड चलते हैं और टंकी वगैरह वहाँ पे भी जाके आपको दिखाएंगे। तो देखिए फिलहाल बोट आ चुका है, तो हम लोग बोट से बात करते हैं, अगर बोटिंग पॉसिबल होगा तो मैं आपको बोटिंग करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब थोड़ा बोट वाले के पास जाता हूँ, अब बात करता हूँ और उनसे मिलता हूँ। देखिए हमारे, तो फिलहाल हम लोग सोचे कि बोटिंग वगैरह करेंगे, तो ये गांव वाले हैं जो कि मैंने बताया था कि उस साइड एक गाँव पड़ता है, तो वही गाँव वाले हैं और आए हैं। तो ये बोटिंग करवाने वाले नहीं है, अगर बोटिंग करवाने वाले रहते तो जरूर मैं बोटिंग करता था। देखिए गांव वाले हैं, अपना सामान वगैरह लाए, लकड़ी वगैरह उस गांव से इस गांव, तो इन लोगों का गांव इस डैम बनने के कारण से कुछ इधर रह गए, कुछ लोग उधर रह गए, तो अपना सामान लाना ले जाना कुछ बोट से करते हैं, और जिनके पास बाइक है वो बाइक से भी जाकर लाते हैं। अब हम लोग इस साइड से गेट तरफ से आप लोग आगे चल रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आगे हमारे संजय भाई और चंद्र भाई चल चुका है, पीछे रहे हमारे अर्पित भाई और रोहित भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। अब हम लोग देखिए उस टंकी की ओर जा रहे हैं, उस टंकी साइड से भी आपको कुछ दिखाने का कोशिश करेंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा। तो दोस्तों आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो जरूर दोस्तों हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा।
तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। फाइनली भाई लोग हम लोग देखिए उस साइड से, अब इस साइड जो मैंने पानी टंकी आप लोगों को दिखाया था इस साइड आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पानी टंकी के ऊपर है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे फिलहाल पानी टंकी का जो, तो ये पानी टंकी के ऊपर फिलहाल आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसी पाइप के द्वारा जो बाहर रजौली की तरफ मतलब पानी जो सप्लाई किया जाता होगा, ये रहा जो वायर है जो वहाँ पे आपको मैंने जनरेटर दिखाया, ये रहा वायर, इसी वायर के द्वारा अंदर मोटर लगाया गया है और PhD इसको हैंडल करता है। नवादा में जो PhD ऑफिस है उसी के द्वारा इसी को हैंडल किया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जहाँ तक मेरा कॉन्टेक्ट से मुझे पता चला है कि PhD ऑफिस जो नवादा है PhD इसको मतलब मेजरमेंट इसको करता है। तो आगे देखिए हमारे अर्पित भाई और तोहित भाई और चंदन भाई जा रहे हैं। तो देखिए इस साइड में अभी आपको पहाड़ मिल जाएगा, उस साइड में भी पहाड़, उस साइड में भी पहाड़, और इस साइड बनाया गया है वॉल टाइप का जिससे कि पानी रुक सके, अभाव ना हो। तो काफ़ी तीनों तरफ पहाड़ी पहाड़ बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोक स्वास्थ्य अभिन्द्र योजना, देखिए लिखा हुआ विभाग जल निर्माण योजना सब लिखा हुआ है, कितना कैपेसिटी है वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको डाल दूंगा। देखिए फिलहाल अब हम लोग इस पे जा रहे हैं और देखिए डैम का व्यू काफ़ी सुंदर देखने को मिल जाएगा आपको, काफ़ी ही खूबसूरत नज़ारा है डैम का जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और काफ़ी भयंकर काफ़ी खतरनाक देखने में लग रहा है भाई, काफ़ी डरावना टाइप का सीन है। तो देखिए हमारे इधर तोहित भाई भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपना, तो पहले भाई हम लोग ऊपर थे, तो फिलहाल अब हम लोग देखिए इधर से नीचे आ चुके हैं डैम का इस साइड से। तो देखिए उधर हमारे कुछ दो तीन फ्रेंड जो साथ में आए थे वो लोग आ चुके हैं, तो देखिए इसी के थ्रू अब हम लोग को जाना है आगे, और चलिए आगे जाके कुछ रील वील बनाने का प्रोग्राम है। तो इसको मैं सेफ तो नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी ये सेफ नहीं है, बहुत ही डरावना सीन है, काफ़ी खतरा है इसमें, क्योंकि डैम काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है, देखिए ज़्यादा काफ़ी गहरा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और फिर शूट करते हैं। भाई लोग हमको जहाँ पे आना था एंड पॉइंट जो जहाँ था वहाँ पे आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ पानी ही पानी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखिए बैक कैमरे से यहाँ पे चारों साइड पानी ही पानी आपको दिख रहा होगा। देखिए इधर और चंदन भाई भी हैं, और देखिए इधर तोहित भाई सब देखे हैं, यहाँ पे बिल्कुल पानी पानी है बिल्कुल, देखिए अंतिम लास्ट पॉइंट जो बॉल का देखिए लास्ट पॉइंट हम लोग वहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पे लगभग 150 फीट गड्ढा है, 150 फीट गड्ढा यहाँ पे आ चुके हैं भाई, बिना कोई सेफ्टी के, यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं, बस सबको तैरने आता है, ये एक सेफ्टी प्लस पॉइंट है, जिसको जिसको तैरने आता है वही आए हैं सब। तो देखिए वहाँ हमारे संजय भाई शूट कर रहे हैं, यहाँ तोहित भाई हो गए, इधर हमारे चंदन भाई। दोस्तों आज मैंने आपको हल्दिया डैम घुमा दिया, सब कुछ दिखा दिया, तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो धड़ाधड़ शेयर कर दीजिएगा, धड़ाधड़ लाइक कर दीजिएगा, धड़ाधड़ कमेंट भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चलिए मिलते हैं ऐसा इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।